आज हम आ चुके हैं इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में। कुछ मांगा आपने गणेश जी से कभी? कई बार मांगा। मिला? मिला। क्या कुछ? काफी कुछ भी चीजें मिली है, बिजनेस में कई बार सफलता मिली है गणेश जी के आशीर्वाद से। बिल्कुल। इसका क्रेडिट आप गणेश जी को देते हैं? हाँ। औरंगजेब काल में के समय में जो है बड़ा वो चल रहा था कि मूर्तियाँ खंडित करते हुए आ रहे औरंगजेब और ऐसा होता, तो उस समय जो है मूर्ति को अंदर समाहित कर दिया था बावड़ी में। अच्छा। और ऊपर से कर दिया था उसको पैक। उसके बाद में हमारे जो मंगल जी भट्ट उनको स्वप्न दिया, तो उन्होंने बताया कि हम कैसे क्या करेंगे, तो फिर वो महारानी माता अहिल्या के पास गए और उनसे अपना विनय किया। कुछ विशेष कारण यहाँ आने का? वो खजराना बाबा का चमत्कार है, जब तो आना ही पड़ता हर बुधवार, जो मांगो मिल जाता है। क्या मांगा था आपने? बच्ची मांगी थी, मिल गई। मान रखी, तुलादान करा है। तुलादान करा मतलब बच्चे को तोल के? हाँ जी। मंदिर का इतिहास जो सन 1735 ईस्वी में जो इसका जीर्णोद्धार माता अहिल्या के द्वारा किया गया, तो मूर्ति जो है परमार काली ने सामने बावड़ी से निकली थी स्वप्न के द्वारा। हम जब से आ रहे हैं पैदल यहाँ पे, जब ये मूर्ति निकली थी बावड़ी के अंदर से, जब से आ रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, बच्चे के लिए की थी मनोकामना, अभी तुलवाना है उसी के लड्डू चढ़ा। हाँ, इसको एक तीर्थ बनाने का एक जो सपना था जिनका, वो थे मुख्य पुजारी श्री भालचंद्र जी भट्ट, जिन्होंने 13 वर्ष तक मौन व्रत धारण किया। उसके बाद में फिर जो है मतलब पूरी तपस्या में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया गणेश जी को, और 51 वर्ष तक जो है उन्होंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया, और कई सालों तक जो है एक ईंट और एक चादर पर सोए, तीन चार दिन एक खोली से निकलते नहीं थे। ये एक तपस्या का फल है जो आज इतना सारा जो है यहाँ पर जो है एक भावनाओं का एक जो सैलाब लगा हुआ है। तो ये मेरा छोटा ब्रदर है, तो मैंने मान करी थी कि इसको जब भी बड़ा हो जाएगा तो इनके 9 साल में बच्चा होगा। मतलब आपकी ये मानना है कि ये बच्चा गणेश जी के आशीर्वाद से मिला? हाँ। तो ये 9 साल बाद में फिर आया। हालांकि ये मंदिर गणेश हाल बना हुआ राजवाड़ा में, वहाँ पर ले जाने का था, पर ये गणेश जी फिर यहाँ से हिले ही नहीं, उठे ही नहीं। कुछ मांगा था गणेश जी से? हाँ, बच्चों के लिए मांगते जी। हम शहर में आते हैं या कोई नया कोई आता है तो उसके उनके रिश्तेदारों को वो सिर्फ कुछ नहीं बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार वो खजराना गणेश मंदिर लेकर चलो। अगर एक बार वो लेके आ जाते हैं तो दूसरी बार गणेश जी में एक अपने आप में खुद में इतना चुंबकीय तत्व है कि वो जो है खींचते हैं खुद। अनेक तरह की मनोकामनाएं होती है हर व्यक्ति की, आपकी भी कोई सी मनोकामना होगी, किसी की शादी की होती है, किसी की बच्चे की होती है, किसी का व्यापार का होता है, तो सबके भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अपन ने गणेश जी से प्रार्थना करी थी कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे यहीं बुला लिया। गणेश जी के मंदिर बहुत सारे हैं पर इनसे प्यार होता है, हमको भी बहुत प्यार है वैसे तो, है ना, तो जो है मतलब इनसे प्यार हो जाता है लोगों को, सबको गणेश जी को, मतलब इनको भाई मानते हैं, पिता मानते हैं, मित्र तक मानते हैं इनको। जब इंसान मेहनत करके अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके हार जाता है, तब फिर उसके पास एक ही दर बचता है जो है खजराना गणेश जी का। ऐसी मान्यता है यहाँ पे, गणेश जी से जो मांगा जाए गणेश जी भक्ति की हर इच्छा पूरी करते हैं।